ऑयल एंड गैस सेक्टर। सरकार ने तेल कंपनियों को बड़ी राहत दी है, पहले तो विंडफॉल टैक्स में राहत दी, एक तरफ तो क्रूड पर टैक्स घटाया है, वहीं एसईसी यूनिट्स के लिए एक्सपोर्ट्स ड्यूटी में भी कटौती यहां पर देखने को मिल रही है सरकार की तरफ से। इस खबर के मायने क्या है, कौन कौन सी कंपनियों पर असर पड़ेगा, एक बार ये समझ लेते हैं। और सौमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी लेकर। सौमित गुड मॉर्निंग, बताइए खबर क्या है और इसका कितना इम्पैक्ट आज पड़ सकता है कंपनियों पर? तो खबर ये आई है कि जो विंडफॉल टैक्स गवर्नमेंट ने जुलाई 1 को लगाया था, पहले तो पेट्रोल डीजल और ATF के एक्सपोर्ट पे लगाया गया था और ऑयल प्रोडक्शन पे भी लगाया गया था। तो ऑयल प्रोडक्शन पे जो टैक्स लगाया गया था उसको कम कर दिया गया है, 17,000 पर टन पे ला दिया गया है ये रेट। पहले का रेट था 23,250 पर टन का। उसी के साथ डीजल और ATF पे जो रेट्स थे उसको 2 रुपये से कम कर दिए है प्रति लीटर से, और पेट्रोल पे जो विंडफॉल टैक्स लगाया गया था उसको कम्प्लीटली स्क्रैप कर दिया गवर्नमेंट ने। उसी के साथ एडिशनल नोटिफिकेशन ये भी दिया है गवर्नमेंट ने कि जो भी यूनिट्स SEZ जोन में हैं उसे कम्प्लीटली एग्जेम्प्ट किया जाएगा ये एडिशनल ड्यूटी से। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ आया है काफ़ी ऑयल एंड गैस कंपनीज के लिए, स्पेसिफिकली रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के लिए, ONGC के लिए और ऑयल इंडिया के लिए। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पर इसका अगर इम्पैक्ट देखेंगे तो जब ये विंडफॉल टैक्स लगाया गया था 1 जुलाई को, तब एनालिस्ट के हिसाब से इसका जो GRMs पे इम्पैक्ट होने वाला था वो करीब $6 to $13 पर बैरल के आसपास होने वाला था। अब चूंकि ये SEZ यूनिट को एग्जेम्प्ट कर दिया गया है और डीजल और ATF और पेट्रोल पे भी टैक्सेस कम कर दिए गए हैं, तो जो नेट इंपैक्ट अभी होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज के GRM पे वो सिर्फ $1 to $6 प्रति बैरल के आसपास हो सकता है। बट नेट नेट अगर हम देखते हैं ग्रॉस सिंगापुर ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन 22 से 5.3 पे उतर चुका है, और तो जो नेट इंपैक्ट होगा ये लोअर टैक्सेस का वो रिलायंस इंडस्ट्रीज पे लार्जली निल रहेगा। अब ONGC और ऑयल इंडिया की अगर हम बात करते हैं, क्रूड प्राइसेस $112 के आसपास चल रहे थे जब ये टैक्स इम्पोज किया था, अब $160 के आसपास चल रहे हैं, और जो भी ये टैक्सेस कम की है तो इसके वजह से जो नेट इम्पैक्ट ONGC और ऑयल इंडिया के रियलाइजेशंस पे होगा वो करीब $7 to $8 पर बैरल का होगा। और एनालिस्ट के हिसाब से अगर $5 प्रति बैरल से ONGC और ऑयल इंडिया का अगर रियलाइजेशन बढ़ जाता है तो जो EPS इम्पैक्ट होगा वो करीब 7 to 12% पॉजिटिव साइड पर हो जाता है। तो नेट नेट ONGC और ऑयल इंडिया के लिए ये न्यूज़ ज़्यादा पॉजिटिव आया है, और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के लिए बेसिकली ये न्यूज़ लार्जली न्यूट्रल हो जाता है क्योंकि सिंगापुर ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन पे एक शार्प फॉल देखने को मिला है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया सौमित ये डिटेल्स देने के लिए। तो देखिए इस पूरी खबर का एनालिसिस करके हमने आपको बताया रिलायंस पे इसका कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, न्यूट्रल इफेक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो खबर आई है इसका ONGC और ऑयल इंडिया को फ़ायदा मिल सकता है, इस पूरी खबर के मायने भी हमने आपको बताया। तो ऑयल एंड गैस कंपनियों पर आज आप नज़र रखिए।